बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूं और मैं आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप घर पर हमारे बल्तिस्तान का एक रेसिपी होता है वो आप किस तरह से बना सकते हैं। और उस रेसिपी का नाम है, हमारे गाँव में तो उसको कहते हैं फड़िंग भले, और फड़िंग से मुराद है खुबानी। खुबानी, खुश खुबानी को उबाल के उसको पीना होता है। ये सर्दियों में हमारे गांव में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में हम इसको पीते हैं और मैं बहुत शौक़ से पीता हूँ इसको। तो मैं गांव से लेके आया था खुबानी, तो आज सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो फिर मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा और बहुत मज़े का होता है। अभी वीडियो आपने एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर खुबानी है। यहाँ पे मैंने 50 खुबानी लिया है। इसको हम उबालेंगे और इसका हम सूप समझ ले कि सूप बना के इसको हम पियेंगे। एक तरफ से हम इसको सूप भी कह सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये काला काला नज़र आ रहा है, लेकिन ये काला नहीं है। हम इसको धूप में सुखाते हैं इसलिए ये इस तरह होता है। तो हम इसको पहले साफ़ करेंगे पानी से, फिर इसको उबालेंगे और इसको फिर हम खाएँगे। तो आपने हमारे साथ रहना है। तो दोस्तों, हमने एक बर्तन लिया है। पहले हम इसको खुबानी को इसके अंदर डालेंगे और पहले हम इसको पानी से थोड़ा सा साफ़ करेंगे और इसके बाद हम इसी बर्तन में इसको उबालेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अभी मैं इसको पानी लगाता हूँ। यहाँ पे बर्तन सारे नहीं धोए लड़कों ने, अभी यहाँ पर बर्तन भी नहीं धोया। हॉस्टल में ऐसा होता है। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे, फिर हम इसको निकाल देंगे। थोड़ा सा हम हाथ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये साफ़ हो चुका है खुबानी। अभी हम इसको उबालेंगे और तकरीबन हम इसको 30 मिनट तक उबालेंगे और हम इसको खाएँगे। हमने इसको उबालने के लिए रख दिया। ये देख सकते हैं आप, आग को देख सकते हैं, चूल्हे से आग निकल रही है। तो दोस्तों, ये उबलना शुरू हो चुका है। अभी हम इसको तकरीबन 30 मिनट तक इसको हम उबालेंगे। अभी आप देख सकते हैं खुबानी ऊपर आ रहा है। अभी हम इसको बहुत ज़्यादा ही उबाल लेंगे। आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, ये अच्छी तरह से उबल चुका है। तकरीबन इसका पानी मीठा हो गया था, मैंने अभी चेक किया है। अभी हम इसको लेके जाएँगे और हम इसको खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। बहुत सर्दी है तो फिर सर्दी में इसको पीने का बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं, कमरे में लेके आया हूँ मैं इसको। ये अच्छी तरह से उबल गया था और ये आपको दिखाते हैं, ये सारा इसके अंदर चला जा रहा है। ये मतलब अच्छी तरह से उबल चुका है। तकरीबन 30 मिनट के बाद हम इसको चम्मच के साथ इसको खाएँगे। और मुझे खुबानी से ज़्यादा इसका पानी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कहवे की तरह होता है, बहुत मीठा, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसको पीने से बुखार सब कुछ उतर जाएगा। अभी हम इसको पियेंगे। अभी मैं कंबल में बैठा हुआ हूँ, कंबल के अंदर, और अभी हम इसको पियेंगे। तो लेट्स गो। मैंने इसको पहली बार बनाया है अपने हाथों से। इससे पहले हमारे घर में बनाते थे अपने दादी और मेरे मामा मुझे बना के देते थे और मैं बहुत शौक से इसको पीता था, इसलिए हमारे घर वाले बनाते थे। अभी कोई बनाने वाला नहीं है, मैं लाहौर में हूँ, तो फिर आज हम इसको पियेंगे और टेस्ट करेंगे कि कैसा हुआ है। मैंने पहली बार इसको बनाया है। तो दोस्तों, हम इसको पीते हैं। देर किस बात का जब हमने बना लिया है। तो अभी हम एक खुबानी खाते हैं। ये देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये आप बीज देख सकते हैं, इसके अंदर भी वो होता है, इसके अंदर का जो बीज हम उसको खा सकते हैं। अभी हम इसको भी खाएंगे। अभी हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं और भी खाएंगे। बहुत मज़े का बना है और ये मैंने पहली बार बनाया है, तो आप देख सकते हैं। मुझे थोड़ा आइडिया था इसका किस तरह से बनाते हैं। तो
साहब मेरे गांव के देखने वाले आप सबको मेरी तरफ से एक अच्छा तोहफा, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी पियेंगे। ये उसका पानी है। क्या बात है जी, क्या बात है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।